समोसे हो या कचौड़ी, चाट हो या गोलगप्पे, इमली की खट्टी मीठी चटनी के बिना इन सभी का स्वाद फीका लगता है। हाय एवरीवन, आई एम दामिनी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड मूड गुड फूड। आज हम बाजार जैसी इमली की खट्टी मीठी चटनी घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे। घर पर बनी हुई इमली की चटनी बाजार की बनी हुई इमली की चटनी से बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हाइजीन होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इमली की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें इमली को भिगोना है। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम इमली ली है। इसे मैंने 1 कप पानी में 1 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। 1 घंटे हो चुके हैं और इमली हमारी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब इसका हमें एक पेस्ट बनाना है। यहाँ मैंने एक जार लिया है। सारी इमली को मैं इस जार में ट्रांसफर करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूंगी। तो इसे ब्लेंड कर लेते हैं। इमली का एक स्मूथ सा पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है और मैंने बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं डाला था। जितना पानी मैंने भिगोने के लिए रखा था इमली को, उतना ही पानी से मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अब एक छन्नी की सहायता से मैं इसे छान लूंगी ताकि इसमें जो भी इम्प्योरिटीज है वो निकल जाए। बहुत अच्छे से प्रॉपरली हमें इसे छानना है और इसका सारा पल्प हमें निकाल लेना है। बहुत अच्छे से चम्मच की सहायता से हमें इसका पल्प निकाल लेना है। थोड़ा सा पानी यहाँ पर ऐड करूंगी मैं ताकि पल्प अच्छे से निकल जाए। तो यहां आप देख सकते हैं इमली के जितने भी कचड़े थे वो निकल गए हैं और पल्प रेडी है। यहां पर मैंने एक पैन लिया है और पैन में मैंने कुछ भी नहीं डाला है। इमली के पल्प को मैं इसमें ट्रांसफर कर रही हूं। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम रखा है और आधा कप पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। और मैं इनको हमें 5 मिनट तक पकाना है। हल्का हल्का सा इन्हें चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। सौ ग्राम गुड़ लिया है यहां मैंने और इसे हम इमली के पल्प में ऐड कर देंगे। रेशियो हम बिल्कुल वैसे ही रखेंगे, 100 ग्राम इमली तो 100 ग्राम गुड़। इनको अच्छे से मिला लेंगे। और 3 चम्मच चीनी डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन सभी को मिला देंगे अच्छे से। बाजार में बहुत सारे किस्म के गुड़ मिलते हैं, आप किसी भी तरीके का गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 5 मिनट के लिए इनको उबलने देंगे। जब एक अच्छा उबाल आएगा तब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अच्छे से चलाएंगे और इमली की थिकनेस को हम चेक करते रहेंगे। बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं कर देना है हमें इसे, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा।
बहुत ही अच्छा उबाल आ रहा है। अब यहाँ पर हम सौंठ यूज कर रहे हैं, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, एक चम्मच भुने हुए जीरा का पाउडर, एक चम्मच साधारण नमक आधा चम्मच जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं खाने में, और काला नमक आधा चम्मच। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स में डाल रही हूँ, आप लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। इनको अच्छे से मिला लेंगे और अब इन्हें उबलने देंगे। चार से छः मिनट इनको अच्छे से बॉईल करेंगे और फिर इसकी जो हमें थिकनेस है वो देखनी है। बहुत ज़्यादा गाढ़ी या बहुत ज़्यादा ये पतली नहीं होनी चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग इसे गाढ़ा या पतला रख सकते हैं। मिक्सचर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो यहाँ पर दो चम्मच खरबूजे का बीज डाल देंगे, इनको मिला देंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। फ्लेम बंद करने के बाद भी ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा। ये बिल्कुल तैयार है, इसे आप ठंडा कर ले रूम टेम्परेचर में आने तक, और इसे आप एक एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं 3 से 4 सप्ताह के लिए स्टोर करके फ्रिज में। तो ये थी आज की बाजार जैसी इमली की चटनी की रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए। एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज गुड मूड गुड फूड। थैंक यू, बाय बाय।